368 के तहत दो तिहाई बहुमत के साथ संवैधानिक सुधार होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा मान्यवर, क्योंकि इसके विलय करने के क्रम में संविधान के अनुच्छेद 3(a) को संविधान के अनुच्छेद 4(2) के साथ रखकर पढ़ा जाना चाहिए। 3(a) के तहत कानून द्वारा संसद दो या अधिक संघ शासित प्रदेशों को एकजुट कर एक नया संघ शासित प्रदेश बना सकता है। ये 3(a) का प्रोविजन है और 4(2) का प्रोविजन है कि 4(2) के तहत इस तरह के किसी भी कानून के परिवर्तन को 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, बाय कॉन्सिक्वेंसेस लिस्ट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी चेंज होगी। तो इसमें संवैधानिक सुधार की जरूरत नहीं। किशन रेड्डी मंत्री जी। चेयरमैन सर, आज स्किल बिल में मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। सबसे पहले पूरे संसद महानुभाव इस बिल पक्ष में बात करें, कुछ लोग अपोज तो नहीं किए कोई भी। आदरणीय मसूदन जी,